हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की बुक ज्योग्राफी के चैप्टर सेवन के बारे में, जिसका नाम है अवर कंट्री इंडिया। इस चैप्टर में हम मेनली इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया जो है उसकी कौन कौन सी ज्योग्राफिकल विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया जो है ये कंट्री है वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस की, मतलब कि इंडिया जो है ये एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो उसका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें तो उनका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है वो इतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया का है। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है, एंड वेस्ट में अरेबियन सी है, अरब सागर आपने सुना भी होगा हिंदी में। ठीक है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, एंड साउथ में इंडियन ओशियन। तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें पेनिनसुला लिखा हुआ है। तो पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, आपने ये वर्ड सुना भी होगा प्रायद्वीप। इसका मतलब है ऐसा लैंड, दैट पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, ऐसी भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हुई हो। ठीक है, जो तीन साइड से जल से घिरी हुई हो उसको पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, एंड इंडिया को भी हम पेनिनसुला बोल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड से क्या है, पानी से घिरी हुई है। ठीक है, वेस्ट में, ईस्ट में एंड साउथ में। ठीक है, इंडिया जो है इसका एरिया अगर हम देखें क्षेत्रफल, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का एक्सटेंट जो है नॉर्थ से साउथ में अगर हम देखें, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 32 किलोमीटर की दूरी है टोटल, एंड ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखें तो 2900 किलोमीटर की दूरी है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक। ठीक है, ये देखिए आप मैप में भी समझ सकते हैं, ये मैप देखकर आपको देखिए समझ में आ जाएगा, कश्मीर नॉर्थ में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूरी जो है वो 3200 किलोमीटर है, एंड अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक दूरी है 2900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 138 करोड़ है प्रेजेंट में, एंड टोटल एरिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया जो है ये एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर माउंटेन्स के साथ साथ डेजर्ट भी है। ठीक है, मैदानी एरिया भी है, पठार भी है जिनके प्लेटू जिसे बोलते हैं। ठीक है, आईलैंड भी हैं, कोस्ट यानी कि नदियाँ भी हैं। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंड के टाइप्स में। ठीक है, ज़मीन के प्रकार में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये एकमात्र ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो कि इंडिया को यूनिक बनाती है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, रियली वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अलग अलग वैरायटी है क्लाइमेट की यानी जलवायु की, वेजिटेशन की, वनस्पति की, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ अलग अलग तरह के जानवर यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, लोगों की लैंग्वेज अलग है, लोगों का कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग है ना, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एंड डाइवर्सिटी के बावजूद हम आज बाइंड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसलिए यूनाइटी इन डाइवर्सिटी का नारा भी दिया गया है, स्लोगन आपको पता होगा। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में 120 करोड़ थी, जो कि अब 138 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते बढ़ते, एंड इंडिया सेकंड नंबर पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकंड नंबर पर इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। ठीक है, अब देखिए लोकेशनल अगर हम देखें, इंडिया की लोकेशन को अगर हम देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडिया लोकेटेड है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, आप ये पढ़ा होगा ज्योग्राफी के सेकंड और थर्ड चैप्टर में हेमिस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो इंडिया जब कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से में है। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री पर पास होती है इंडिया से होते हुए। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8°4 and 37°6 नॉर्थ लैटीट्यूड। ठीक है, इंडिया जो है वो कौन से लैटीट्यूड से कौन से लैटीट्यूड तक, अगर नॉर्थ से साउथ में देखें तो आपको पता होना चाहिए 8°से 37° तक। ठीक है, अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें तो इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड में आता है, 68°7 east से 97°25 east तक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया जो है उसमें इतने डिफ्रेंसेस के बाद भी इंडिया आज काफ़ी यूनिक कंट्री के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बात ही कुछ हो गए। ठीक है, हमें गर्व होना चाहिए दैट वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इंडिया जो है उसकी ये खास बातें ही उसे यूनिक बनाती हैं कि वो ज्योग्राफिकली इतना डाइवर्स है, वहाँ पर हर तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि जो लोकल टाइम होता है उसका हम हिसाब लगाते हैं लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कि कौन से लॉन्गिट्यूड में है, एंड जो लॉन्गिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, 4 मिनट जो है वो चेंज हो जाती हैं हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ठीक है, हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर 4 मिनट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया है कि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, हम लोकल टाइम को लेकर नहीं चलते, जैसा कि मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था। ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि अगर हम लोकल टाइम के अकॉर्डिंग चलते तो हर जगह का टाइम अलग होता, इंडिया में भी हर स्टेट का टाइम अलग होता अगर लोकल टाइम के अकॉर्डिंग चलते, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है हर 1 लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का फ़र्क आता है अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग उसको देखें तो।
ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में अगर जाएंगे तो 4 मिनट ज़्यादा होगी, है ना। एंड इस तरह से अरुणाचल प्रदेश और असम जो है उसका जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, गुजरात के टाइम से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता, जो ट्रेन चलती है उनके टाइम टेबल में भी काफ़ी गड़बड़ी हो जाती, तो इसलिए हमने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसे बोलते हैं। एंड हम लोकल टाइम को नहीं मानते, हम फॉलो करते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम को, 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। आप नोट कर लीजिए ये बात कि 82 डिग्री 30 ईस्ट पर जो लॉन्गिट्यूड होता है उस पर जो भी टाइम होता है वही कंप्लीट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में माना जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, इस लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एंड इस लॉन्गिट्यूड पर 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होता है उसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में फॉलो करते हैं, ऑल ओवर कंट्री में उसी टाइम को फॉलो किया जाता है, लोकल टाइम को नहीं माना जाता। अगर लोकल टाइम को माना जाएगा तो जो सूरज है वो उदय होगा 2 घंटे पहले ईस्ट में एंड 2 घंटे बाद वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में गुजरात में सूरज ईस्ट के मुकाबले 2 घंटे बाद निकलेगा अगर हम लोकल टाइम को फॉलो करते, तो इसलिए हम लोकल टाइम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये देखिए इंडिया के नेबर्स क्या क्या है आपको पता होना चाहिए, 7 कंट्रीज़ है जिनके साथ इंडिया शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज, ठीक है, इनको पड़ोसी देश भी कहा जाता है, ठीक है, कौन कौन से, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका, ठीक है। ये जो 7 कंट्रीज़ मैंने अभी आपको बताई इनको नेबर कंट्रीज़ कहा जाता है इंग्लिश में एंड हिंदी में पड़ोसी देश, ठीक है। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई अवर आइलैंड नेबर, अब हमारे 2 आइलैंड नेबर भी है, आइलैंड नेबर यानी कि जो आइलैंड में पड़ते हैं वो है श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। श्रीलंका जो है ये इंडिया से सेपरेटेड है पाल्क स्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, ये देखिए श्रीलंका, ये जो आपको दिखाई दे रही है मैं जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है, श्रीलंका है ये एंड वो इंडिया है, तो श्रीलंका इंडिया से जो इसके बीच में जो लाइन सी दिखाई दे रही है इसको पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है, ये एक रिवर का नाम है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया जो है वो सेपरेटेड है श्रीलंका से पाल्क स्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। इंडिया जो है ये वास्ट कंट्री है एंड इसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में टोटल, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को डिवाइड किया गया है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। एंड जो दिल्ली है वो एक नेशनल कैपिटल है, द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो स्टेट हैं इनको लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया है, मेनली बनाया गया था पहले, ठीक है। राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है राजस्थान एंड सबसे छोटा स्टेट कौन सा है गोवा, ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। जो स्टेट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, स्टेट्स को किसमें डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट में। अब ये देखिए एलुवियल डिपॉजिट, दीज आर वेरी फाइन सोइल ब्रॉट बाय रिवर, वो मिट्टी के साथ जो सॉलिड मटेरियल होता है जो नदी के द्वारा लाया जाता है डिपॉजिट कर दिया जाता है एक जगह पर, उसको एलुवियल डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि नदी का इतना बहाव होता है तो वो जहाँ से बहती हुई आती है वो अपने साथ मिट्टी और थोड़ा मलबा भी लेकर आती है एंड वो एक जगह पर उसको डिपॉजिट कर देती है, जिसको क्या कहा जाता है, एलुवियल डिपॉजिट। ट्रिब्यूट की क्या होती है, एक रिवर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है अपना वाटर बहुत सारे रिवर्स में, ठीक है, इसी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं, कहा जाता है इसको ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का हिंदी में मतलब होता है सहायक नदियाँ, ठीक है, एक नदी जो है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का पानी मिक्स हो जाता है एंड वो जो छोटी छोटी नदियाँ होती है जो एक बड़ी नदी में अपना पानी मिक्स कर देती हैं बहते हुए, उन्हें ही ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए फिजिकल डिवीज़न, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीज़न जो है इसका मतलब है कि जो इंडिया है उसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया को डाइवर्स माना जाता है, जियोग्राफिकली डाइवर्स माना जाता है। ये फीचर्स क्या क्या है, जैसे इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेटू है, कोस्ट है, प्लेन्स है, आइलैंड है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ी डिटेल से। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं बहुत सारे जो कि स्नो से कवर रहते हैं ऑल ओवर टाइम, ठीक है, हमेशा कंप्लीट ईयर वो स्नो से कवर रहते हैं, ठीक है। हिमालय जो है हिम प्लस आलिया यानी कि अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है, हिमालय को अगर हम तोड़ कर देखें तो इसका मतलब होता है हिम प्लस आलिया यानी कि स्नो का जो घर होता है, अबोर्ड ऑफ स्नो मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर स्नो इकट्ठी होकर रहती है, ठीक है। हिमालय माउंटेन जो है इनको डिवाइड किया गया है बहुत सारी पैरेलल रेंजेस में, द नॉर्थन मोस्ट इज ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, सबसे नॉर्थ वाला जो है उसको ग्रेट हिमालय हिमाद्री कहा जाता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो है मिडल हिमालय में, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो नॉर्थ में जो हिमालयज हैं उनको कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। जो सबसे नॉर्थ में है वहाँ पर जो हिमालय उनको ग्रेट हिमालय कहा जाता है या फिर हिमाद्री, वहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, माउंटेन की वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक बिल्कुल नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद मिडल हिमालय आता है, ठीक है, या हिमाचल, ठीक है, जो कि थोड़ी साउथ में होता है। बहुत सारे हिल स्टेशंस हिमाचल में सिचुएटेड हैं, आप गए भी हो गए आई थिंक, कमेंट सेक्शन में मिलकर बताइएगा कि आप कभी किसी हिल स्टेशन पर गए हैं या नहीं, ठीक है।
इसके अलावा जो शिवालिक हैं वो सबसे साउथ में है, साउथर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है। इस तरह से हिमालय को तीन रेंजेस में डिवाइड किया गया है, नॉर्थर्न मोस्ट, मिडल हिमालय एंड साउथर्न मोस्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स, अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ये साउथ में है हिमालय के, हिमालय के साउथ में क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये फ्लैट होते हैं, ठीक है, जैसे हिमालय तो ऊंचे होते हैं बट प्लेन जो है वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये एलुवियल डिपॉजिट के द्वारा फॉर्म हुए, जैसे कि मैंने बताया हिमालय से नदियाँ जो आती थी उन्होंने क्या किया, वो अपने साथ मलबा और मिट्टी साथ लाती थी और उसको नीचे आकर डिपॉजिट कर देती थी, एंड जब वो डिपॉजिट करती थी तो वहाँ पर क्या बन गए, वहाँ पे प्लेन्स बन गए, ठीक है। वो ऐसे डिपॉजिट होते थे जो मिट्टी थी नदी के द्वारा, एलुवियल डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, एंड उससे क्या बन गया वहाँ पर, उससे वहाँ पर बन गई एक मैदानी संरचना, ठीक है, एंड मैदान बन गए वहाँ पर, प्लेन बन गए। अब ये जो एलुवियल डिपॉजिट होते हैं ये बहुत से नदियों के द्वारा क्रिएट होते हैं, जैसे कि इंडस, यानी कि सिंधु नदी द्वारा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इन्हीं मैदानों में रहती है। अब अगर हम वेस्ट पार्ट में आए इंडिया के, तो वहाँ पर है डेजर्ट, ठीक है, इंडिया के वेस्ट में गया तो वहाँ पर क्या है, डेजर्ट। राजस्थान का जो एरिया है आपने मैप में देखा भी होगा, ठीक है, वहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, वो बहुत ही ड्राई रहता है हमेशा, बारिश वहाँ पर बिल्कुल कम होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट होता है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, वहाँ पर रेत के टीले होते हैं, बहुत सारा रेत ही रेत होता है वहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत ही कम होती है, वहाँ पर कैक्टस के अलावा कोई वनस्पति नहीं उग सकती, ठीक है। अगर हम साउथ में देखें तो वहाँ पर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू, ये ट्रायंगुलर है शेप में, ठीक है। आपने इसको अगर हिंदी में हम जाने तो प्लेटू का मतलब होता है पठार, ठीक है। ये साउथ में है महाराष्ट्र वगैरह की तरफ, ठीक है, आप अगर कभी वहाँ पर जाए तो आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी हिल रेंजेस भी है, वैलीज भी है, जैसे कि अरावली हिल्स जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट रेंजेस में एक हैं, ठीक है, एंड विंध्य है, सतपुत्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है, हिल है, ये हिल रेंजेस हैं, वैलीज हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा और तापी नदी जो है वो भी यहीं से फ्लो होती है, ठीक है, कौन कौन सी नर्मदा एंड तापी नदियाँ, ठीक है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इन टू द अरेबियन सी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं जो कि वेस्ट में अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, कहाँ पर जाती है, अरेबियन सी में, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है या सह्याद्री बॉर्डर जो है वो क्या कर, वो ईस्ट में है, ठीक है, वो वेस्ट में है, सॉरी वेस्ट में है, एंड वेस्ट में भी घाट है एंड ईस्ट में भी घाट है जो कि बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है ये कॉन्टीन्यूअस है, ईस्टर्न घाट जबकि ब्रोकन एंड अनइवन है, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है ये तो एक लाइन में है, ये वेस्ट में है एंड ये लगातार है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है फिर नहीं है फिर दोबारा फिर नहीं है, नो ऐसे नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस है, लगातार है। जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो लगातार नहीं है, वो टूटे फूटे है और कोई यहाँ पर है, कोई बहुत दूर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ऐसे अनइवन है वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट में, आपने इसका नाम सुना भी होगा, ठीक है। अब देखिए जो प्लेटू है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं जैसे कोयला और आयरन ओर, ठीक है, कोयला और लोह अयस्क, आयरन ओर यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। वेस्ट में वेस्टर्न घाट है और ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, ठीक है, इन्हीं को कोस्टल प्लेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा नैरो होते हैं, भीड़े होते हैं, ठीक है, इनकी चौड़ाई बिल्कुल कम होती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ज़्यादा बॉर्डर है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो थोड़े कम भीड़े हैं, जबकि जो ईस्ट में है वो थोड़े चौड़े हैं, उनकी चौड़ाई ज़्यादा है, उनकी ब्याथ ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है, इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। डेल्टा वही होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था एलुवियल डिपॉजिट, वैसे डेल्टा होता है, नदियाँ क्या कर देती है, एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, बस वो एक जगह पे इकट्ठा कर दी जाती है एंड वो पहाड़ की शेप ले लेते हैं थोड़ी, वो थोड़ा ऊँचा हो जाता है, ठीक है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। आगे बात समझ में, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। दो आइलैंड भी हैं जो कि इंडिया का पार्ट है, इंडिया को फॉर्म करने में उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वो जो दो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में है, एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब देखिए जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये अरेबियन सी में है, दीज आर कोगल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ये कोगल आइलैंड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोगल क्या होते हैं, देखिए मैं अब आपको बताती हूँ कोगल क्या होते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कोगल के बारे में, कोगल जो है ये स्केल्टन होते हैं, छोटे छोटे जलीय जीवों के, मरीन यानी कि जल में रहने वाले एनिमल्स, यानी कि जीव, जो जल में रहने वाले जीव थे जब वो मर जाते हैं तो उनके जो स्केल्टन होते हैं उनको कोगल्स कहा जाता है, ठीक है,
उनको पोलिप्स भी कहा जाता है एंड कोगल भी कहा जाता है, ठीक है। व्हेन द लिविंग पोलिप्स डाई दियर स्केलेटन आर लेफ्ट अदर पोलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर, ठीक है। तो इसी को कोगलाइनेंट बोलते हैं। क्या होता है जब जलीय जीव जो है, जल में रहने वाले जो जीव थे जिनको पोलिप्स कहा जाता था, जब वो मर जाते तो उनके स्केलेटन एक जगह पे इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे हो होकर वो क्या कर देते हैं, एक बहुत बड़ी शेप बना देते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं वो, हायर एंड हायर होते होते वो एक आइलैंड बना देते हैं जिसको कोगल आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी कोगल आइलैंड है, ठीक है, जो कि केगला के तट पर है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि साउथ ईस्ट में है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास में। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये जो आइलैंड थे अफेक्ट हुए थे सुनामी के द्वारा 2004 में। आपने सुना भी होगा 2004 में बहुत ही खतरनाक भयानक सुनामी आई थी, है ना, बहुत सारे लोगों के सामने एक चैलेंज लेकर आए थे इससे निपटने के लिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे सुनामी क्या होती है। सुनामी जो है ऊंची ऊंची लहरें होती है जो जल में उठती है अचानक, ठीक है, जब पानी के अंदर भूकंप आता है, जब पानी के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, तो उस वजह से क्या होता है जो सी वेव होती है वो ऊंची ऊंची उठने लग जाती है, छलांग लगाने लग जाती है, जिससे क्या होता है जिससे सुनामी आ जाती है, ठीक है। इसकी लहरें बहुत ही ऊंची होती है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची इसकी लहरें होती हैं एंड काफ़ी भयानक नज़ारा होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू सो मच।